लोक आस्था का चार दिवसीय चैती छठ महापर्व मंगलवार की अहले सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। इसको लेकर अलग अलग गंगा घाट, पोखर, तालाब और कृत्रिम तालाब के साथ घर के आंगन एवं छतों पर भी मंगलवार की सुबह छठव्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और अपने साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुल्तानगंज अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट के साथ नमामि गंगे घाट पर भी उदयमान भगवान भास्कर का पूजन और अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही, जहां पूरा गंगा घाट भगवान भास्कर के जयकारों से गूंजता रहा। इस दौरान बिहार, झारखंड सहित कई जगहों के श्रद्धालु भी चैती छठ पूजा के लिए अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर पहुंचे। वहीं छठव्रती महिलाओं ने बताया कि वो सभी कई वर्षों से चैती छठ पूजा करते आ रहे हैं और छठी मैया उन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। साथ ही कहा कि प्रत्येक वर्ष पूरे नियम निष्ठा के साथ वो सभी चैती छठ पूजा करती है, जिसमें उनका पूरा परिवार भी आस्था और उत्साह के साथ इसमें शामिल होता है। इधर सुल्तानगंज नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट में बांस बैरिकेडिंग के अलावा नाव की भी व्यवस्था की गई थी, जबकि सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के द्वारा गंगा घाटों और आसपास में पुरुष और महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। ये चौथा दिन है, आज उदयमान सूर्य का को अर्घ दे करके जो है आज ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें ये कार्तिक में जो जाकर के छठ होती है ना, उससे ज़्यादा जाकर के महत्वपूर्ण है। और देख, आप तो भीड़ देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था जाकर के जो है और बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, एक दो इक्का दुक्का जाकर के लोग घर में होता। देखिए होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा जाकर के जो है नियम है, और सूर्य देवता का जाकर के है, इतना नियम है ना कि सबसे संभव नहीं है। बासंती नवरात्र को लेकर भागलपुर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में देवी के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मंगलवार को चैती दुर्गा पूजा को लेकर सभी मंदिर और पंडालों में मां का पट खुल गया, जिसके बाद लोगों ने माता के दर्शन कर पूजा किया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास में दुर्गा सप्तशती, वैदिक मंत्रोच्चार, आरती और भजन की स्वर ध्वनि गूंजती रही। भागलपुर के कालीबाड़ी, मसाकचक दुर्गाबाड़ी, बरारी, तिलका मांझी, भीकनपुर बढ़ई टोला, सिकंदरपुर, नाथनगर के अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर समारोह पूर्वक पूजा की जा रही है, जबकि इसको लेकर कई जगहों पर मेला सा माहौल भी दिखाई दिया। बता दें कि नवरात्र में सप्तमी तिथि से मां की विशेष पूजा का विधान है, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी कर पूजा की गई, जबकि बुधवार को महाअष्टमी पर माँ के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी और दुर्गा महाअष्टमी पर उपवास और कथा सुनाने का विधान भी, जबकि बुधवार को महाअष्टमी पर मां के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी और दुर्गा महाअष्टमी पर उपवास और कथा सुनाने का भी विधान है। ये बाबा नर्मदेश्वरनाथ सिद्धपीठ है, भगवती का स्थापना बहुत दिन से हुआ है और जो श्रद्धालु जिस दिन से जो चीज मांगते हैं उनका यहाँ पूर्ण होता है। बहुत शक्तिशाली भगवती साक्षात है, सच्चे मन से पुकारिए, वैष्णव दुर्गा है, आपका सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के विरोध में मंगलवार को भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समाहरणालय स्थित पटेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसको लेकर बिहार विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास और कांग्रेस कैंप कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जिसमें जिला महिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी एवं जिला युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को तानाशाही बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली पार्टी और नेताओं के विरुद्ध CBI और ED का इस्तेमाल कर परेशान किया जाता है। साथ ही डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि उद्योगपति अडानी और नरेंद्र मोदी के तथाकथित संबंधों और आर्थिक हितों के बारे
में बात करने पर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई। साथ ही कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेगी और अगले चुनाव में जनता निरंकुश मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मौके पर कोमल सृष्टि, मोहम्मद सारिक खान, विशाल कुमार, सुनंदा रक्षित, अभिषेक चौबे समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनवमी शोभा यात्रा और दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन से निकाले गए फ्लैग मार्च में सिटी डीएसपी के अलावा विभिन्न थाना के प्रभारी और पुलिस जवान द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों का भ्रमण किया गया। वहीं फ्लैग मार्च करते हुए डीएसपी अजय चौधरी ने शहरवासियों से शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से असामाजिक या शरारती तत्वों की हरकतों के बारे में पुलिस को अविलंब जानकारी देने की बात कही है, जिससे समय रहते गड़बड़ी होने से रोका जा सके। डीएसपी ने बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा और माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर शहर में एसएसबी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। बता दें कि बुधवार को रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति और गुरुवार को हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर लोगों से शांति के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने के संदेश को लेकर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में एसएसबी, सीआईएटी और दंगा नियंत्रण वाहन सहित कई थानों की पुलिस शामिल रही। हाँ, चैती दुर्गा विसर्जन और रामनवमी का जो जुलूस निकलना है और भगवा क्रांति का जुलूस निकलना है, उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला स्तर से शहरी क्षेत्र में सभी जो भी थाना हमारे अंतर्गत आता है और जो भी क्षेत्र है और जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पे एरिया डोमिनेंस के लिए और शांति बहाल करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग अच्छे से जुलूस को निकालें, शांतिपूर्वक हमारा पर्व त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिसमें जो हमें एसएसबी की चार ये कंपनी प्राप्त हुई है, हमारा सीआईटी है, दंगा है, बजरा है, इन सभी फोर्स के साथ हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी टीम है, पूरे शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अपना फ्लैग मार्च के माध्यम से हम शांति का संदेश देंगे। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित उत्पाद कोर्ट की ओर से शराब तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी अंगद कुमार को 6 साल कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। मामला गोराडीह थाना क्षेत्र का है, जहां गोराडीह चौक के समीप 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कोतवाली बांका की ओर से आ रही बोलेरो गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका, जिसके बाद पुलिस को जाँच के दौरान बोलेरो से 225 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ, जबकि इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसको लेकर लोक अभियोजक ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में 2 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, जबकि अंगद कुमार को 6 साल कैद की सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने उस पर आर्थिक दंड भी लगाया है। 24/7/2022 की घटना है। गोराडीह थाना के पदाधिकारी गोराडीह चौक पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उस वाहन चेकिंग के दौरान बेलेरो पिकअप वाहन एक आई और उनको गहन चेकिंग किया गया, तो एक गाड़ी में 300 बोतल 375 ml का यानी 775 ml का यानी 225 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। यह माननीय उत्पाद कोड 2 ADJ 12 में ट्रायल इसका कंक्लूड हुआ और कल 27/3 को इनको दोषी करार किया गया, अंगद कुमार रविदास को। आज उनको सजा सुनाई गई, उसमें 6 वर्ष की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों के अतिरिक्त सजा। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर डमखोलिया गांव के NH-80 स्थित पीर दरगाह के समीप तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप वैन ने एक माखरूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है पिकअप वैन सुल्तानगंज से भागलपुर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ और बच्चे की जान चली गई। वहीं इसके बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में मासूम को रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन एवं ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर सुल्तानगंज थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों एवं ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया, जिसके बाद मृतक मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मृतक बच्चे की पहचान मिर्जापुर डमखोलिया गांव निवासी मनोज ताती के 7 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है, जो घर से बिस्कुट खरीदने जा रहा था, तभी तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप वैन ने उसे कुचल दिया। क्या मारला छे? मारला छे गाड़ी वाला। क्या मारते? कौन सा गाड़ी था? हमर ना देखला छी गाड़ी। गाड़ी वाला मारा है? हां। आप लोग मुआवजा के लिए रोड भी जाम किए थे? हां, रोड जाम करला छी के मुआवजा के लिए। हां, तो क्या क्या आश्वासन मिला जो आज जाम टूटा? हमरा कुछ नहीं पता छे अभी। तो क्या मुआवजा मिलेगा, यही ना बताया गया? ना, अभी कुछ हमरा पता नहीं। बच्चे का क्या नाम है? विक्की कुमार छी के। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज के समीप सोमवार को फ्लाईओवर के पहुंच पथ निर्माण की मांग को लेकर इसाकचक के लोगों ने भोलानाथ पुल को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ घंटों नारेबाजी भी की, जबकि भीगनपुर मिर्जानहाट मुख्य मार्ग को जाम कर पहुंच पथ देने की मांग की। वहीं इसके कारण इस मार्ग पर आवागमन घंटों बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों ने कहा कि भोलानाथ ओवर ब्रिज बने, यह उन सभी की भी इच्छा है, लेकिन इसके बनने का लाभ उन लोगों को तभी मिल सकेगा जब पुल पर चढ़ने के लिए उन लोगों को पहुंच पथ दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर उन लोगों की मांग नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अविलंब फ्लाईओवर बनाने वाले नक्शे में पहुंच पथ को शामिल कर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही कहा कि पहुंच पथ की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन और आवाज उठाने के बाद भी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो सही नहीं है। हमको इस फ्लाईओवर में इसाकचक की ओर और डिक्सन रोड की ओर रास्ता नहीं दिया गया, जिसके कारण यहाँ से लेकर के जीछो सरदो तक सारे लोगों का यह रास्ता है। जिंदगी भर हम लोग पानी में चले हैं और सरकार भी यह नहीं दे करके चाहती है कि हम लोग की तमाम पीढ़ी इसी पानी से होकर के चले। इसी के विरोध में पहुंच पथ लेने के लिए हम लोगों ने यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है कि DM साहब को खबर है, लेकिन अगर वो 9 बजे से कार्यक्रम था, अगर वहाँ से 9:15 में आ जाते। लड़कों का दुख है, दर्द है, वह पीड़ा निकल रहा है, वो आगजनी नहीं है, किसी को क्षति नहीं है। अगर प्रशासन समय पर आ जाती कुछ नहीं होती। या तो मैं पूरा प्रशासन का दोष मानता हूँ। DM साहब कहाँ सोए हुए हैं? भागलपुर के नौगछिया में मंगलवार को गेहूं खेत में अचानक आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दरअसल नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नगरपारा गांव के कैथा बहिहार में अचानक आग लगने के कारण 6 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों के द्वारा नगरपारा गांव में हो रहे यज्ञ देखने आए युवकों द्वारा सिगरेट पीकर फेंकने से खेत में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में करीब 7 एकड़ क्षेत्र में लगी फसल जल गई है, जिससे यहाँ खेती करने वाले किसान परिवार काफी सदमे में हैं। वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग बढ़ती चली गई और देखते ही देखते किसानों के सामने उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। इधर प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद भवानी
मणिपुर पुलिस कैथा बैयार पहुंची, जबकि इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक 6 एकड़ से अधिक में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी। के लोग जा रहे थे मेला देख के, कोई सिगरेट पी के फेंका हुआ जैसे फेंका हो। हम भवानीपुर से आ रहे थे, थोड़ा सा तिनका हम देखे, जब तक रोड पर से उतर के 3 आदमी हम लोग आए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उतना में विकराल रूप ले लिया। कहती थी रोड पर से आने में हमको कितना देर लगे, इस जगह पर पोल के पास स्तंभ के पास। आपका क्या नाम हुआ? उत्तम सिंह। घर कहाँ हुआ? पिताजी का नाम? आपका कितना फसल नुकसान हुआ? कितना? 3 एकड़। 3 एकड़ क्या लगा हुआ था फसल? गेहूं। आग लगने से हुआ है, और कैसे होगा देखिए रहे। जब स्थल पे खड़ा है तो देखिए रहे संरक्षक क्या हुआ है, किस रूप से। आग कैसे लगा? आग कैसे लगा ये हम लोग देखते तो उसको कुछ भी करते। भागलपुर के नवगछिया ग्राम पंचायत खगड़ा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पंचायत के मुखिया द्वारा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुखिया अनीता देवी, नवगछिया वीडियो, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जेई, प्रखंड समन्वयक और पंचायत सचिव के अलावा कई वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पंचायत में गीला कचरा एवं सूखा कचरा का उचित प्रबंधन करने पर बल दिया गया, जबकि इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की भी बात कही गई। मौके पर अरुण सिंह, भवेश यादव, प्रदीप यादव और सुनील सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।